अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद तिमर शाजी। इस वीडियो में हमने लिपिड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि लिपिड के कौन कौन से टाइप्स हैं। सो लिपिड्स, इसकी क्लासिफिकेशन तो ढेर सारी तरीकों से होती है, जस्ट लाइक द सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स, लेकिन इसके अलावा भी इसके क्लासिफिकेशन है। सो नंबर वन इज एसेंशियल लिपिड, एंड द सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल लिपिड्स। ठीक है, एसेंशियल लिपिड और नॉन एसेंशियल में क्या डिफरेंस है? एसेंशियल वो है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है एंड कैन नॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी and we require it, इसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारी बॉडी इसको सिंथिसाइज नहीं कर सकती, हम डाइट के थ्रू इसको ले लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है वो है लिनोलिक एसिड। ठीक है, लिनोलिनिक एसिड, ठीक है, एंड एरा काइडोनिक एसिड्स। ठीक है, ये कौन से एसिड्स हैं कि ये लिपिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती। जब सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो हम इसको डाइट के थ्रू ले लेते हैं, लिहाजा इनको क्या कहते हैं, एसेंशियल जो लिपिड्स हैं वो कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज नॉन एसेंशियल। सर, नॉन एसेंशियल ये है कि जिसको हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर सकती है, और हम डाइट के थ्रू ले रहे हैं तो कोई भी मसला नहीं, लेकिन हमारी बॉडी इसको क्या कर लेती है, सिंथेसाइज कर सकती है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ दैट, दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय, कैन सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द लिपिड्स के इसको इसके बेस पर भी क्लासिफाई किया गया है। द नेक्स्ट वन इज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जिसमें इट हैव नो डबल बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन द कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, और इसकी वजह से क्या है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, कि इसमें जो कर्विंग है, जो बैंडेज है वो नहीं होती, बिकॉज जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उस डबल बॉन्ड की वजह से जो फैटी एसिड का चेन होता है वो बेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो नहीं है, लिहाजा ये लॉन्ग होते हैं और इसके साथ साथ ये स्ट्रेट होते हैं, इसमें कोई चेन जो है, कोई बेंडेज जो है वो नहीं आता। नेक्स्ट वन, इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घी। ठीक है, ये क्या है, दिस आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका जो जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, सो दैट इज सी एन एच टू एन प्लस वन एंड सी डबल ओ एच, ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, सो दिस आर सम बेसिक कैरेक्टर्स के इसमें क्या है, हैव नो डबल बॉन्ड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और इसके साथ ना कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या हो सकता है, एकोमोडेट हो सकता है। एंड दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स, लॉन्ग होते हैं और स्ट्रेट चेन होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। एंड फॉर एग्जाम्पल जो घी है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेरिक एसिड भी है, ब्यूटेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, पामेटिक एसिड है, एट्सेट्रा। ठीक है, सो दीज आर द एसिड्स विच आर नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। द सेकंड क्लास विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल, दिस इज नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो इसके अपोजिट है कि यहाँ पर क्या है, मे हैव डबल आर ट्रिपल बॉन्ड।
ट्रिपल बॉन्ड, समटाइम टेट्रा बॉन्ड जो है वो भी मौजूद होते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि इसमें दीज आर लॉन्ग बट स्ट्रेट द चेन लॉन्ग एंड द चेन्स आर चेन इज नॉट स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेन होता है इसका वो क्या कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट चेन हो सकता है, ये स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, ये बैंड हो जाए, जस्ट लाइक द फॉस्फोलिपिड जो है उसमें जो चेन है वो एक चेन जो है वो क्या होता है, वो डबल बॉन्ड की वजह से वो बैंड हुआ होता है। तो यहाँ पर जो चेन होता है वो तो लॉन्ग होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, इसमें एक कर्व जो है या बैंड जो है वो आ जाता है, एंड वो जो जो स्ट्रेट चेन होता है वो स्ट्रेट नहीं होगा। नेक्स्ट वन ये क्या है, दिस आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल जो है, वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि इन्हीं पर जो प्लांट बेस्ड होते हैं मोस्टली वो क्या है, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और इसमें हाइड्रोजन जो है वो फर्दर इसकी एकोमोडेशन हो सकती है। सो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज सी एन एच टू एन माइनस वन सी डबल ओ एच। ठीक है, ये इसका क्या है फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल ओलिक एसिड है, ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है कि सी एन, ये जो सेम फॉर्मूला है सी एन एच टू एन माइनस वन एम सी डबल ओ एच, इसको कहते हैं मोनो इथनोविक एसिड। ठीक है, मोनो इथनोविक एसिड है। द सेकंड वन इसके एग्जाम्पल जो है लिनोलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड, और इसको क्या है, इसका फॉर्मूला जो है सी एन एच टू एन माइनस थ्री। ठीक है, एच थ्री एन माइनस थ्री और सी डबल ओ एच है। ठीक है, और इसको कहते हैं डाई इथेनोलिक एसिड, डाई इथेनोलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और जो डाई इथेनोलिक है इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है लिनोलिक, लिनोलिनिक एसिड, ठीक है, फॉर्मूला जो होगा सी एन एच टू एन माइनस फाइव एंड सी डबल ओ एच। ठीक है, इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, सो और इसका एग्जांपल ये लिनोलिक एसिड है। इसके अलावा जो है जो जहाँ पर टेट्रा बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, समटाइम एराकार्बोनिक एसिड विच इज बेसिकली 20 कार्बन जो है वो फैटी एसिड होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सो फिर सेचुरेटेड जो लिपिड्स होते हैं उनको ब्रॉडली जो है दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जो सेचुरेटेड होते हैं और अनसेचुरेटेड होते हैं, और उसके ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड एट्सेट्रा, विच आर ऑल्सो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।